हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया है वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, और भी प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल हम लोगों का 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 190 है, जिसने पार्ट 189 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, बटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी, यहाँ पर जो ये प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, जरूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों, और कॉमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जिस प्रकार से देखिए ये आकृति का संबंध हम लोगों का किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से दिया गया है, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि ये वाला आकृति यानी कि यहां पर क्या किया, आकृति को एक तरीके से थोड़ा सा क्या कर दिया दोस्तों, घुमा दिया है। तो उसी प्रकार से इस आकृति को हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो जैसे ही यहां पर घुमा देंगे तो किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जूम करके देखिए किस तरीके से हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे इधर से हो जाएगा, फिर इधर से, और इस तरीके से देखते चलिए दोस्तों आप ध्यान से कि कैसे हो जाएगा हम लोगों का, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर काला वाला भाग किधर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर काला जिस प्रकार से यहाँ पर काला वाला भाग है, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, किस ऑप्शन में इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो ये हम लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। देखिए कौन वाला भाग काला कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या किया था, हम लोगों का तीर को इस तरीके से घुमा दिया है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देंगे दोस्तों, घुमा देंगे। तो जैसे ही घुमा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जैसे करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, अगर देखा जाए दोस्तों एक तरीके से घुमा रहा है यानी कि इधर से ले गया इधर, तो इसी प्रकार से इसको जब सीधा कर देंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला यानी एक सीरीज दिया गया है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप सीरीज को बनाने का क्या तरीका है, सीरीज को सबसे पहले आप लिख लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने 64 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 48 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 40 है, उसके बाद देखिए लिखते चलिए जैसे जैसे दिया 36, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 34, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस प्रश्न को आपको समझना है कि 64 से यदि सबसे पहले आप सीरीज को गौर कीजिए, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो सीरीज हम लोगों का घटते जा रहा है, कितना घटाया दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए उसने 16 घटा दिया है। उसी प्रकार से 48 से यदि हम लोग 40 पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि 48 से यदि हम लोग 40 पे जाएंगे तो कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर 8 घटाया है। उसी प्रकार से यहां पर जाएंगे दोस्तों तो कितना घटाएंगे हम लोग, 4 घटाएंगे। उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर जाएंगे दोस्तों
मतलब हम लोग कितना घटाएंगे, दो घटाएंगे, यानी एक तरीके से देखिए आपको पैटर्न मिल चुका है कि क्या घटाया, पहले 16 घटाया फिर 8 घटाया, आधा करते गया, यानी 16 घटाया फिर 8 घटाया फिर 4 घटाया फिर 2 घटाया, अगला क्या घटा देंगे दोस्तों, एक घटा देंगे। तो जैसे ही एक घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 33 आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में आपको 33 नजर आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे, पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, तो सीरीज हम लोगों का घटते हुए चल रहा है, यानी कि 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहां पर भिन्न का मतलब ये होता है कि चार में से तीन किसी तरीके समान, एक अलग है, कौन सा आकृति अलग है वही बात बताना है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एक तरीके से काला वाला भाग और ये जो गोला है एक तरीके से क्या है दोस्तों, विपरीत है, ये देखिए विपरीत हो रहा है, यहाँ भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, विपरीत है, यहाँ भी अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से विपरीत है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये विपरीत है ही नहीं, दोनों देखिए ये कोना कोना पे आ गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से काला वाला भाग और गोला एक तरीके से विपरीत में है, ये देखिए काला वाला भाग और गोला हम लोगों का विपरीत में है, यहां भी देखिए काला वाला भाग और गोला क्या है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत में है। इस तरीके से आप कर देंगे दोस्तों तो आपका कौन सा आंसर निकल जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विपरीत में है ही नहीं, दोनों एक ही जगह लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, यानी आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को आपको समझते हुए चलना। इधर अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से लिखा है, इधर जैसे कह रहा है कि माइक्रोफोन का संबंध दिया गया है, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि माइक्रोफोन का संबंध यानी परबल क्या लिखा है दोस्तों, लाउड दिया है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार देखिए हम लोग माइक्रोफोन को आवाज को यानी कि क्या करता है दोस्तों, परबल करता है यानी लाउड, उद दिया है कि इसका संबंध ऐसे है, तो उसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का संबंध क्या होगा, तो ये बात आपको समझना होगा दोस्तों कि माइक्रोफोन जो है यानी कि परबल आवाज को क्या करता है दोस्तों, लाउड करता है, तो उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी का संबंध निकालना है, तो सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को क्या करता है दोस्तों, बड़ा करके दिखाता है यानी आवर्धन करके दिखाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे थे क्योंकि उस तरीका को ही नहीं समझ पा रहे, आखिर यहां पर लिखा है तो कैसे लिखा है कि माइक्रोफोन जिस प्रकार से प्रबल यानी कि लाउड दिया है, जिस प्रकार आवाज को क्या करता है दोस्तों, प्रबल करता है यानी लाउड करता है, उसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है यानी आवर्धन करके दिखाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर आपको डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी को दिया है, और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि ई जो एन दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पर आईना लगाया है, नीचे दर्पण कहाँ है दोस्तों, हम लोगों का नीचे में लगा दिया है, इसको जब आप देखिएगा मिरर में यानी दर्पण में, तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो आप जानते हैं कि आईना यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पांचवर प्रतिबिंब बनता है, तो उसी प्रकार से जब इस आईना को देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा बन जाएगा, इधर हम लोगों का आईना कैसे, आईना में जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि एन हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, यानी नीचे में आईना लगाया है यानी दर्पण लगाया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, कोई फिगर दे देता है, कहता है दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो आप जान लीजिए कि यहां पर एक तरीके से पांचवर प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 24 है, तो यहाँ पर 24 लिख लिया जाए, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये देखिए
तो यहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों हम लोगों का 24 हो जाएगा, और इसी का संबंध क्या लिखा हम लोगों का 60 लिखा। आखिर कैसे दिया है 60, यही बात आपको बताना होगा। और यहाँ पर जैसे समानुपात का चिन्ह लिखा है और कह रहा है 120 का संबंध किससे होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, आखिर कैसे हम लोगों का 24 से जो 60 लिखा है कैसे लिखा है, उसी प्रकार से 120 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बता दें उसने क्या करके आखिर यहाँ पर लिखा है। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या किया है इस तरीके से किया है, यानी कि 24 से अगर 60 जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा इसमें गुना कर देना होगा, यानी कि 24 में गुना कर दीजिए दोस्तों हम लोग 2 से, प्लस क्या कर दीजिए उसी का आधा जोड़ दीजिए, यानी 24 का आधा क्या कर देंगे दोस्तों 12 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 24 गुना 48 में जैसे ही हम लोग 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, यानी आधा करके उसी का जोड़ना है। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों यहां पर क्या कर देना है कि गुना 2 कर देना है, प्लस उसका आधा करके जोड़ देना, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 120 गुना 2 कर देंगे 240, और 240 में जैसे ही 60 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 300, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना होगा कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, आखिर 24 का संबंध 60 कैसे लिखा था, 24 में गुना 2 करके और उसका आधा करके जोड़ा है, 24 गुना 48 और 24 का आधा 12 जोड़ देंगे 60। उसी प्रकार से 120 का पूछ रहा है तो 120 में गुना 2 कर देंगे और उसका आधा, 120 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 60, तो 120 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 में 60 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वहां पर, तो ये देखिए कैसे करेंगे आपको तरीका बताते हैं उसने क्या करके इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का लिखा है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा उसने क्या किया है कि उसने क्या किया, देखिए 54 में ही क्या किया है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखा जाए कि 54 माइनस कितना कर दिया है दोस्तों उसने 30 कर दिया है। जैसे ही 54 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे, तो 54 में जैसे ही 30 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 24 उसने लिखा है कि नहीं, एकदम 24 लिखा है तो वही 24 हम लोगों का आ गया। उसी प्रकार से आप इसमें देखिए दोस्तों घटा के आखिर कैसे लिखा है वही बात आपको बता रहे हैं कि 112 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 112, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर देंगे दोस्तों 42 कर देंगे और इसको घटा देंगे, तो जैसे ही हम लोग घटा देंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है, इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा दोस्तों 11 में 7 जाएगा 70, यानी कि देखिए नीचे में हम लोगों का 70 लिखा है कि नहीं, जिस प्रकार से यहां पर उन दोनों को घटा के यानी कि क्या लिखा है दोस्तों 24, उसी प्रकार से ऐसा क्या घटाएंगे जो कि हम लोगों का 38 हो जाए, तो यहां पर आप निसंदेह घटा लीजिए दोस्तों आखिर क्या घटाएंगे जो हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग पहला ऑप्शन अगर वहाँ 76 रख के देखते हैं, ऑप्शन वाइज रखेंगे, जैसे ही हम लोग 76 रखेंगे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि पहला ऑप्शन अगर 76 रखेंगे और हम लोग 28 करेंगे तो क्या हम लोगों का आ रहा है 38 आ रहा है, तो क्या 1 10 6 16 में 8 जाएगा 8, इधर बचा दोस्तों हम लोगों का कितना 6, तो 6 में 2 जाएगा 4, तो यहाँ पर तो भैया 48 आ जा रहा है, तो क्या 48 नीचे है क्या, नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्या रखना होगा दोस्तों, जब 76 नहीं हुआ तो आप क्या रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को रख के देखिए, जैसे ही ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे यानी कि यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों 66 कर देंगे, अब माइनस का माइनस कितना कर देंगे 28 कर देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो देखिए हम लोगों का 16 में 8 जाएगा 8, इधर बचा दोस्तों हम लोगों का 5 में 2 जाएगा 3, तो 38 आ जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहां पर कैसे किया था कुछ नहीं, बस दोनों संख्या को यानी कि ये जो हम लोगों का लिखा है दोस्तों ये देखिए 54 और 30 ये दोनों को अंतर कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 24, उसी प्रकार से 112 और 42 दोनों का अंतर कर देंगे हम लोगों का 70 आ जाएगा, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह यदि 66 और 28 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है।
तो ये देखिए हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, जैसे ये देखिए लिखा है बकरा, उसके बाद लिखा है शेर, उसके बाद घोड़ा और बैल, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोगों का लिखा है देखिए बकरा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिए बकरा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया, बैल हो गया। तो ये सभी हम लोगों का किस में आ जाएंगे, ये सभी हम लोगों का किस, ये सभी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये सभी हम लोगों का क्या है, शाकाहारी जानवर। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शाकाहारी जानवर है, ये सभी क्या हो जाएगा हम लोगों का शाकाहारी जानवर है। और यहाँ पर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है शेर हम लोगों का मांसाहारी जानवर में जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही कह रहा था कि दिए गए समूह विषम, विषम का मतलब चार में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, शेर यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि बकरा हो गया, घोड़ा हो गया, बैल, ये सभी हम लोगों का शाकाहारी जानवर है, जबकि शेर हम लोगों का शाकाहारी जानवर में नहीं आएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए कह रहा है कि इसका संबंध यदि इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने ये देखिए एफ है, उसके बाद हम लोगों का आई है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, एफ आई, उसके बाद एल, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने एम, और इसी का संबंध दिया गया ये देखिए ए, उसके बाद हम लोगों के सामने डी और जी, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एच दिया गया है। तो यहाँ पर कर लीजिए ए डी और क्या दोस्तों हम लोगों का एच है, तो ए डी जी और यहाँ पर दिया गया एच, इसको लिख लीजिए। और इसी प्रकार से इधर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, और हम लोगों से पूछा है देखिए एम, उसके बाद आई, उसके बाद एल और क्या है दोस्तों हम लोगों का के है, तो इसका पूछा है यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा, कि एफ से यदि हम लोग ए पे आएंगे दोस्तों तो ए बी सी डी में कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ पर पाँच लेटर क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए आई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे तो कितना लेटर घटाना होगा, आई से यदि डी पे आ रहे हैं तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर घटाना होगा दोस्तों, पांच लेटर क्या कर देना होगा, घटा देना होगा, बस घटाते हुए चलना, जैसे जैसे दिया उसे। एल में यदि हम लोग जाएंगे ये देखिए जी पे तो कितना लेटर घटाना होगा दोस्तों, यहां पर भी हम लोगों को पांच लेटर क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए एम से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एच पे तो यहां पर भी कितना लेटर घटाया, उसने पांच लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया, यानी सब में क्या किया दोस्तों, उसने पांच पांच लेटर घटा दिया है। दूसरी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे, पाँच लीटर घटा देंगे, तो जैसे ही पाँच लीटर एम में जैसे ही पाँच लीटर घटाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एच आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों एच हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों आई में जैसे ही हम लोग घटाएंगे, देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों आई में पाँच लीटर घटा देंगे, जैसे ही आई में हम लोग पाँच लीटर घटाएंगे तो आई में जैसे ही घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए इस जगह आई में पाँच लीटर घटा दीजिए दोस्तों, तो आई में जैसे ही पाँच लीटर हम लोगों का घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डी हो जाएगा, देखिए एच और क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का डी आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर पाँच लीटर घटा दीजिए दोस्तों, देखिए एल में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों पाँच लीटर घटा देंगे, तो जैसे ही एल में पाँच लीटर हम लोगों का घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का जी आ जाएगा, यानी एच डी और जी, तो देखिए एच डी और जी, तो एच डी जी तो बहुत सारा ऑप्शन में, फिर के में भी आपको पाँच लीटर घटा देना होगा, इसमें क्या कर देना होगा दोस्तों पाँच लीटर घटा देना होगा, तो जैसे ही इसमें पांच लीटर के में घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों एप आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं, सब में पांच पांच लीटर आपको घटा देना है, इस तरीके से जैसे ही घटा देंगे एच डी जी एप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके का प्रश्न आया, तो सब में क्या क्या है, पांच पांच लीटर क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एच डी और हम लोगों का जी और एफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी प्रश्न आकृति का कौन सा सही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, ये जो आकृति आपको दिख रहा है इसमें है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो कैसे करेंगे ये देखिए आपको बताते हैं।
कि आखिर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा, इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो देखिए हम लोगों को कहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, तो निस्संदेह हम लोगों का ईद की यहाँ पर हम लोगों का नजर आ रहा है, इस जगह से और इधर से और फिर इधर से है और ऐसे करके इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यही आकृति देखिए हूबहू कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी में दिख रहा है, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से देखिए आप पहले कि कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो इसमें नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों का देखिए इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोगों का कौन सा किसमें नजर आ रहा है, तो इसमें नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। तो डी आकृति में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला देखिए 11वां नंबर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, यानी कि जहां कहीं हम लोगों के सामने प्लस दिखेगा तो उसके सामने क्या ले लेना है दोस्तों, भाग ले लेना, ये बात वहां पर बोल दिया है। उसी प्रकार माइनस जहां दिखेगा तो उसके जगह क्या कर देना दोस्तों, गुना कर देना। उसी प्रकार जहां हम लोगों के सामने भाग दिखेगा तो उसके सामने क्या ले लेना दोस्तों, माइनस ले लेना, जहां गुना दिखेगा तो वहां पर क्या कर देना दोस्तों, प्लस दिखा है, यानी इस तरीके से एक सिम्बॉल दे दिया है। तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को उतार लिया जाए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे कर दिया, आठ है उसके बाद प्लस क्या है पहले उसको उतार लीजिए, छः है उसके बाद भागा क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, चार है उसके बाद हम लोगों के सामने, माइनस सात गुना तीन। अब आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, जैसे ही देखिए आठ कर देंगे प्लस के जगह हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, तो प्लस के सामने कह रहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर आठ और प्लस के सामने भागा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का भागा कितना हो जाएगा, छः, और भाग के जगह माइनस कहा है तो माइनस चार कर देंगे, यानी भाग के जगह क्या माइनस, और माइनस के जगह क्या बोला है दोस्तों, गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुना सात कर देंगे, और जहाँ गुना है तो वहाँ पर क्या बोला है, प्लस लेने के लिए, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, तीन कर देंगे। बस वहाँ पर जैसे जैसे कहा बोल दिया कि जहाँ प्लस है उसके जगह पर भाग, तो देखिए प्लस के जगह भाग रखे कि नहीं, जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पर गुना, और जहां पर ये देखिए भाग दिख रहा है वहां पर माइनस, और जहां गुना दिख रहा है वहां पर प्लस, तो इस तरीके से उसने कह दिया था। बस आप क्या कर देंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो पहले भागा का काम होगा, यानी कि आठ भागा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, छह हो जाएगा, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईद के इधर हम लोगों का गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, यानी कि सात चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, अट्ठाईस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों का सॉल्व हो चुका है, बस इसको देखते चलिए ध्यान से कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ बट्टे देखिए आठ बट्टा में छः, उसके बाद माइनस अट्ठाईस प्लस तीन, तो इसको पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, एक तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ई देखिए तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से, हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक डाल दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक डाल दीजिए, बस एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम ले लेना है। ये देखिए यहीं पर बराबर देके नीचे हम इसका एलसीएम कर देते हैं, इस जगह पर एलसीएम, तो छः एक का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, छः हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आठ माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अट्ठाईस गुना छः करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए तो यहाँ पर छः हो गया, तो अट्ठाईस गुना छः जैसे ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर गया तो आठ या चौबीस करी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि अच्छा हाँ, तो आठ गुना क्या कर देंगे दोस्तों, छः कर देंगे, तो अड़छा कितना हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा, देखते चलिए। तो अड़छा अड़तालीस इधर बचा हम लोगों का चार, छः दुना बारह और चार क्या हो जाएगा दोस्तों, सोलह, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का एक सौ अड़सठ, और यहाँ पर प्लस का प्लस, इधर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, छः, तो छतिया क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अट्ठारह। बस यही देखना है कि यहाँ पर जैसे जैसे कहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर दीजिए, आप इसमें कुछ करेंगे नहीं, बस तरीका को समझना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि आठ और भागा में हो जाएगा दोस्तों छः, उसके बाद हम लोगों का माइनस अट्ठाईस प्लस हम लोगों के सामने तीन, तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, इसमें दिक्कत क्या है, ये देखिए तो जैसे ही कर दिए छक्का में छह, एक छक्का में जैसे छह आया तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आठ हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहां पर माइनस हुआ तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जा रहा है, इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी कि तो जैसे ही घटाएंगे तो देखा जाए कुछ नहीं दोस्तों, बस यहाँ पर आप देखते चलिए थोड़ा सा उसने क्या कर दिया इस प्रश्न में, चलांकी कर दिया, लेकिन उस सब चलांकी उसका निकाल देंगे। देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पर बोल दिया है कि प्लस के जगह क्या लेना है, भाग लेना, आप इसमें निसंदेह कर लेंगे, माइनस के जगह क्या लेना के लिए कह रहा है, गुना लेने के लिए कह रहा है, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो माइनस कर रहा है, उसी प्रकार जहाँ पर गुना दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है, प्लस लेना है।
बस इतना ही बात आपको करना है दोस्तों, और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, पहले आप प्रश्न को लिख लेते हैं, जैसे 8 है, आप प्लस क्या लिख देंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे। उसके बाद भागा कितना है, 4, आप निसंदेह कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 है, आप माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 7, और गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। बस इतना ही दूर तक आप जैसे ही लिखेंगे, आपका अब आप प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, 8 अब प्लस के जगह क्या लेना है, भागा लेना है, तो यहाँ पर 6 कर देंगे, और जहाँ भाग है वहाँ पर गुना है माइनस, यहाँ पर 4, और जहाँ माइनस है दोस्तों वहाँ पर गुना, और क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, और जहाँ गुना है वहाँ पर क्या बोला है, प्लस 3। आप यहाँ पर देखिए, आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कुछ भी गलती इसमें नहीं हुआ। तो जैसे ही कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 8, और बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए कि 8 भागा है तो बट्टा में जाएगा, तो 8 और बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का माइनस, 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 3 हो जाएगा। तो बस इतना ही दूर तक करना था। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। बस एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों हम लोगों का एलसीएम नीचे क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए दोस्तों, नीचे हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जगह कम पड़ रहा है, तो इस जगह पर कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एलसीएम आप निसंदेह ले लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों देखिए 6 से गुना करना होगा, तो 6 8 48 करी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 8, इधर रहा 4, और 14 168 कितना हो जाएगा दोस्तों, 168। इधर हो जाएगा प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। तो कर दिए। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, आज सबसे पहले ये देखिए 18 और 8 को जोड़ लिया जाए, कि 18 8 को जैसे ही ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 को जैसे ही इसमें घटा लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 168 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो देखिए जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, तो इधर 26 तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 72। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ, तो हम लोगों का ही कितना हो जाएगा, 142 कितना हो जाएगा दोस्तों, 142 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 142 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। बस यहां तक अगर आप कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व। इसी को उसने कटा दिया है 2 से, तो 2 से कटा देंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, बस कटा के आंसर दिया है, और 2 7 14, 2 1 2, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर -71/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने क्या किया है, कटा कर आंसर दिया है, इसीलिए आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 18 और 8 को जैसे ही जोड़ लीजिएगा 26 होगा, 26 को जैसे ही 168 में घटा दीजिएगा तो 142 आएगा, -142 और यहां पर कटा दिया है 2 से कटा दिया, 142 तो कटेगा 71 बार में, और 2 से 6 कटेगा 3, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 71/3 क्या होगा दोस्तों, सही। इसीलिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगे आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम पर आधारित, आखिर इनमें से सबसे पहले काम हम लोगों का क्या होगा, या कभी कभी होता है दोस्तों छोटा से क्या होता है हम लोगों का, बड़ा की ओर चलता है, इस तरीके से हम लोगों का इस पे रहता है, या तो काम पर आधारित होगा या छोटा से बड़ा। तो यहां पर देखिए काम पर आधारित दिया गया प्रश्न हम लोगों के सामने, यानी सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले वृक्ष का होना क्या हो जाएगा, जरूरी है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि पहले नंबर पे हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, वृक्ष आएगा। तो वृक्ष जैसे हुआ तो वृक्ष को हम लोग क्या कर लेंगे, तो वृक्ष को क्या करेंगे दोस्तों, वृक्ष उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, वृक्ष के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसको कुल्हाड़ी लेंगे, यानी वृक्ष के बाद क्या लेंगे, कुल्हाड़ी लेंगे। यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल्हाड़ी हो जाएगा। वृक्ष के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, कुल्हाड़ी हो जाएगा। कुल्हाड़ी के, कुल्हाड़ी से ही क्या किए दोस्तों हम लोग, काटना, यानी कुल्हाड़ी से ही तो काटते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, काटना, कुल्हाड़ी लिए, उसके बाद उसको काट दिए। काटने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो काटने के बाद उसको लकड़ी, यानी कि काट दिए, तो अब हम लोगों का वो क्या बन जाएगा दोस्तों, लकड़ी। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, लकड़ी, आप देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी, और वही लकड़ी फिर हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, जलावन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, जलावन कर लेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष होगा, यानी कि 3 नंबर पहले होगा। उसके बाद हम लोग उसको क्या किए, कुल्हाड़ी लिए, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद काटना 2 नंबर पर हो जाएगा,
उसके बाद एक नंबर हो जाएगा लकड़ी, और उसके बाद हम लोगों का जलावन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, चार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी सार्थक क्रम का मतलब होता है काम पर आधारित, तो काम सबसे पहले क्या होगा, वृक्ष होगा। वृक्ष को क्या करेंगे दोस्तों, कुल्हाड़ी लेंगे, कुल्हाड़ी से क्या कर देंगे, काटेंगे, काटने के बाद लकड़ी होगा, वही लकड़ी क्या होगा दोस्तों, जलावन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया, एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने। जैसे ही देखिए भी लिखा है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, भी लिख देंगे और एकदम फुल फुल जो तरीका बता रहे हैं आप वैसे चले, कभी नहीं गलती होगा। भी, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने टी, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, वाई लिखा है। इसी को क्या लिखा है, देखिए तो यहाँ पर लिखा है वाई, उसके बाद हम लोगों के सामने एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने डब्ल्यू है, उसके बाद आर और यू, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने बी लिखा है। तो उसी प्रकार से कर इसका संबंध क्या होगा, तो इसको फोल फोल लिख लीजिए, एफ, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, तो यहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों, एफ ए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, उसके बाद एल कर देंगे, उसके बाद हम लोगों का यू कर देंगे दोस्तों, और आर कर देंगे, और क्या लिखा हम लोगों के सामने, ई लिखा है। इतना दूर तक लिखा, अब इसी को आप देखिए कि कैसे कैसे हम लोगों का संबंध दिया। आखिर ये देखिए, भी से यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वाई पे जाएंगे, तो ए बी सी डी में सोचना है कि भी से यदि वाई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई, हम लोगों का अगर भी दिया है तो भी से जैसे ही वाई पे जाएंगे तो भी के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये देखिए तो भी यानी कि यू, उसके बाद भी, भी के बाद हम लोगों का एक्स और वाई। तो यहां पर तो हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कितना जोड़ रहा है कि भी के बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो भी के बाद हम लोगों का W, उसके बाद यहाँ पर X, और क्या हो जाएगा दोस्तों Y, यानी कि तीन लेटर यहाँ पर जोड़ा है। तो आप तीन लेटर इस पे जोड़ दीजिए, यानी A B C D में ही तीन लेटर। इसमें ही देखिए I से यदि जाएंगे दोस्तों L पे, तो यहाँ भी तीन लेटर जोड़ देंगे। यदि C से F पे जाएंगे तो इस पे भी तीन लेटर जोड़ देंगे। ये देखिए T से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों W पे तीन लेटर जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखते चलिए आप A B C D में T के बाद हम लोगों का क्या होता है, यू वी डब्ल्यू, इस तरीके से। उसी प्रकार ओ से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए A B C D में तीन लेटर जोड़ना है, यानी ओ के बाद होता है पी क्यू आर, इस तरीके से चलना है। उसी प्रकार से आर से यू लिखा है, तो आर से यानी कि यू क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का तीन लेटर यहां पर क्या हो जाएगा, चलेगा। उसी प्रकार से वाई से देखिए बी पे गए हैं, तो वाई के बाद तीन लेटर जोड़िए, तो वाई के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का जेड, जेड के बाद फिर ए और बी, इस तरीके से क्या है। तो उसी प्रकार से आप यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, तीन तीन लेटर इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ही एफ में आप क्या करेंगे दोस्तों, तीन लेटर प्लस कर देंगे, उसमें ए में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस तीन लेटर कर देंगे, यानी ए बी सी डी में ही करते चलना है तीन लेटर प्लस। एल में भी आपको क्या कर देना दोस्तों, उसी प्रकार से यू में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस तीन लेटर, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस तीन लेटर, और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस तीन लेटर। सब में आप प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन करते चलिए आपका आंसर। तो एफ में जैसे ही तीन लेटर हम लोग करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। ए में तीन लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का अगला, जैसे आई में तीन लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से ई देखिए, एल में जैसे ही तीन लेटर जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, यानी L के बाद होता है क्या, M N O। A B C D में सब चीज आपको A से लेकर Z तक में तीन तीन लेटर जोड़ रहे हैं, तो आप F के बाद तीन लेटर नहीं जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार U में जैसे ही तीन लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो X हो जाएगा। R में तीन लेटर जोड़ेंगे तो U हो जाएगा। E में तीन लेटर जोड़ेंगे तो H हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो B नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आई डी, उसके बाद एल ओ एक्स यू एच, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आपको दिशा बनाना होगा, यानी कहने का मतलब ई साइड में हम लोगों को क्या ले लेना है दोस्तों, पूर्व ले लेना है, इसके अपोजिट में क्या लेना है, हम पश्चिम लेना है। यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, हम लोग पश्चिम ले लेंगे, और जिस जस्ट इसके ऊपर में हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, उत्तर ले लेते हैं, और नीचे इसका क्या ले लेते हैं,
दक्षिण ले लेते हैं। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो हमेशा आपको यही डायग्राम याद रखना और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इधर पूरब, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। बस इतना ही कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। देखिए तो कह रहा है कि खान पूर्व से पश्चिम, यानी कि कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है, तो किधर चलेगा दोस्तों, यानी कि पूर्व तो इधर होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि देखिए पूर्व से उधर से स्टार्ट किया, इधर पश्चिम की ओर चला, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, चल दिया 8 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि दाएं ओर मुड़ा, तो दाया देखिए आप इधर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मुंह एकदम तीर पे रखिए, मुंह ऐसे करके देखिए आपका दाया हाथ किधर जा रहा है, तो इधर हो जाएगा दाया हाथ को, आप देखिए 2 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी ले लिए 2 किलोमीटर, इतना चला होगा। उसके बाद फिर आप ऊपर की ओर देखिए, उत्तर की ओर ऊपर मुंह करके देखिए दोस्तों, तो आपका दाया हाथ किधर हो जाएगा इस साइड में, और कितना चल रहा है, तो कह रहा है कि हम लोगों का पुनः दाएं और मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों 5 किलोमीटर, क्योंकि नीचे अगर 8 किलोमीटर लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक, तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, अच्छा तो आरंभिक बिंदु से पूछा है, यानी कि इस जगह पर यहीं से 4 दिशा बना लीजिए, इस तरीके से 4 दिशा, और देखिए ये वाला हम लोगों का दिशा आ रहा है दोस्तों, तो ये दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला दिशा देखिए इस तरीके से जा रहा है, तो ये दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। आरंभिक बिंदु से कभी भी पूछा जाए तो वहां पर आप ऐसे ही बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से कर लीजिए, और वहां से देखिए तो ये दिशा कौन सा आ रहा है, तो ये दिशा हम लोगों का उत्तर पश्चिम दिशा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, देखिए एक कोड दे दिया है, कह रहा है यदि किसी संकेतिक भाषा में, देखिए जैसे जैसे लिखा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर लीजिए, यानी पूछा हम लोगों का किसका है, यानी टी, उसके बाद ए, उसके बाद एस, उसके बाद टी, और उसके बाद क्या दोस्तों ई, एकदम फोल फोल लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन और कोई परेशानी नहीं। ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे तीर देके कर दीजिए ताकि आपको क्या हो जाए, कन्फ्यूजन नहीं और सटे नहीं, तो यहाँ पर अब इसको एक एक खोज कर लिख दीजिए। जैसे टी तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए जस्ट में आखिरी में टी है, तो जस्ट आखिरी में इस एक तरीके से डॉलर का इस तरीके से क्या है, डॉलर टाइप में, तो इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद ए, तो ए कहाँ मिल रहा है, देखिए लेट में दिया है, तो लेट में यानी कि ए दूसरे बिला में है, तो दूसरे बिला में ये तीर का निशान है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान हो जाएगा। उसके बाद एस, तो एस देखिए जस्ट में ही है दोस्तों, यानी कि तीसरा लेटर पे शुरू से, तो तीसरा लेटर पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का प्रतिशत हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो जस्ट में इधर टी तो फिर आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 डॉलर का सिंबल हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, लेट में आखिरी में, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का कौन सा सही मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, देखिए अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले डॉलर, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, पहले डॉलर, उसके बाद हम लोगों का तीर, तो देखिए डॉलर, उसके बाद तीर, उसके बाद हम लोगों का प्रतिशत, फिर डॉलर, और उसके बाद स्टार, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डॉलर, उसके बाद तीर का निशान है, फिर प्रतिशत, फिर डॉलर, उसके बाद स्टार, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, और ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा, तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, भिन्न का मतलब चारों में से अलग, कभी भी इस तरीके से लेटर लिखा रहे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यदि P से R पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, P से यदि R पे जाएंगे तो 2 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से R से यदि S पे जाएंगे दोस्तों, तो आप प्लस यहाँ पर 1 करना होगा, 1 लेटर। उसी प्रकार से इससे आएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर करना होगा, 2 लेटर माइनस, यानी A B C D में, अरे ये देखिए P से R पे जाएंगे 2 लेटर प्लस करेंगे, R से S पे जाएंगे तो 1 लेटर, उसी प्रकार से S से Q पे माइनस 2, उसी प्रकार से आप U से देखिए W पे जा रहे हैं दोस्तों, तो 2 लेटर प्लस कर रहे हैं, इससे यदि हम लोग इस पे आ रहे हैं तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें हम लोग कितना लेटर कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस क्या कर रहे हैं, 1 लेटर कर रहे हैं, देखिए W के बाद X, उसी प्रकार से इससे कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या हो जाएगा, 2 लेटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए एल से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा, कि एल से यदि ओ पे आ रहे हैं, देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 3 लेटर प्लस कर दिया, 3 लेटर इस पर किया, तो इससे यदि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कितना, ओ के बाद हम लोगों का देखिए पी क्यू, उसके बाद ई, ओ के बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, एन, यहाँ पर 1 लेटर क्या किया, घटा दिया। उसी प्रकार से एन से यदि एम पे गया है दोस्तों, तो 1 लेटर यहाँ भी घटा दिया, ये देखिए कैसे कैसे करके ऊ कर दिया है, तो यही वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी कर लीजिए, देखिए प्लस 2 लेटर, उसके बाद यहाँ से जाएंगे दोस्तों प्लस
वन लेटर, उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस दो लेटर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।